हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 है उसके बारे में हम हाईलाइट जो है की हाईलाइट वो सारे चेक करेंगे कि भाई क्या की हाईलाइट थे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये है हमारा ये जो डेटा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है। ठीक है, ये डेटा आपको हर जगह पे काम आने वाला है और इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आप देख सकते हैं, सर्विस सेक्टर, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री, जीडीपी, फॉरेक्स, फूड ग्रेन, फिस्कल डेफिसिट, एग्रीकल्चर, फिशरी, सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट, प्राइस एंड इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, सेंटर सपोर्ट टू स्टेट, फिस्कल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर फूड। ठीक है, तो ये सारा जो डेटा और सोर्स है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट पीआईबी से लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये जीडीपी का आप ट्रेंड देख सकते हैं, 1920 में 4% थी, फिर -7 हो गई, फिर लास्ट ईयर 9.2 थी और इस साल 8 to 8.5 का प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो ये सारे आप ट्रेंड देख सकते हैं अप डाउन। ठीक है, इन्फ्लेशन का भी आप देख सकते हैं डाउन डाउन अप अप डाउन। देखिए फॉरेक्स ये सब का आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का आप देख सकते हैं अप डाउन अप, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का आप देख सकते हैं पहले इतना था फिर डाउन फिर वेरी डाउन देन अप। ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी आप देखिए पहले कॉन्स्टेंट था फिर डाउन एंड देन। तो इसी तरीके से हम जो भी यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट ट्रेंड और डेटा है वो इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस डेटा को यूज करने में आसानी हो। ठीक है, आप अपने आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में और अलग अलग जगह पे इस डेटा को यूज कर सकते हैं। फैक्ट है कहीं पे, प्रीलिम्स में भी काम आ सकता है। ठीक है, फैक्ट एंड डेटा जो होता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहला है हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसका ट्रेंड आप देखिए 18-19 में 7.2% था, अगेन 19-20 में भी उतना ही था, फिर कोविड की वजह से ये गिर के -8.4 हो गया और फिर बाद में इस साल इसका एस्टीमेट 8.2% का प्लस ग्रोथ है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड क्या रहा, कॉन्स्टेंट देन सडन डाउन एंड सडन अप। ठीक है, तो इसको हम वी शेप रिकवरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे सीपीआई कंबाइन है और डब्ल्यूपीआई है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में सीपीआई कंबाइन को कंसीडर करती है और उसका बैंड 2 से लेके 4 प्लस और माइनस 2 है, मतलब 2 to 6 तक उसको हम सही गिनते हैं। तो पिछले साल तक ये हमारी 5.2 थी। ठीक है, और WPI आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे है, पिछले साल 1.3 थी और उसके बाद अब ये अचानक से पूरा इसने शार्प अपसाइड कर दिया है। ठीक है, देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी आप जो ग्राफ है देख सकते हैं, 18-19 में 5% थी, फिर 19-20 में डाउन होके -2% हो गई, फिर -7% ड्यू टू कोविड एंड देन फिर रिकवरी हुई उसके बाद 11% हो गई। तो इसका भी आप ग्राफ देख सकते हैं इस तरीके से है कुछ, फिर सडन फॉल है और उसके बाद सडन अप है। ठीक है, देन जीडीपी, देखिए जीडीपी की बहुत चर्चा होती रहती है, 2019-20 में 4% थी, फिर सबको पता है कोविड में सडनली डिक्रीज हो गई, -7 हो गई और उसके बाद पिछले साल 9.2 का ग्रोथ हुआ है जिसे हम वी शेप रिकवरी कह रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा डाउन होगा पिछले साल से जो कि 8 to 8.5 का प्रिडिक्शन है। ठीक है, तो इसका भी हमारा ग्रोथ पहले ऐसा था, इस तरीके से गया, फिर एकदम से वी शेप रिकवरी हुई और उसके बाद अब इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, नाउ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, ये हमको जो हमारा इम्पोर्ट होता है
इंपोर्ट कवर में हेल्प करता है। जो हम क्रूड ऑयल वगैरह परचेस करते हैं तो हमारे पास जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना हम उसको मुसीबत के टाइम पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा सवाल वो पूछ सकते हैं, कॉन्स्टेंट इंक्रीज। ठीक है, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं इस तरीके से जा रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी देखिए भले ही थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी कह सकते हैं कि उसका जो ग्राफ है वो 2017 से लेके 2021 तक पिछले 5 सालों में कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट इंक्रीज। अब आगे बढ़ते हैं, फिस्कल डेफिसिट देखते हैं। तो 1890 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 3.4% ऑफ जीडीपी था। ठीक है, 1920 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 4.6 हो गया। फिर कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गवर्नमेंट ने, इसलिए वो बढ़कर 9.2 हो गया। फिर इस साल थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और 6.2 हो गया। तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह है, पहले ये अप गया, उसके बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा अप गया और फिर ये डाउन हो गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। ऑल राइट, आपको यही याद रखना है, ज्यादातर ऐसे ही पूछता है, कांस्टेंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री और फिशिंग। तो ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो हमको पता है कि सारे ही सेक्टर जो माइनस में चले गए थे कोविड-19 में, तो उस टाइम भी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसने आप देखिए 3.6% का ग्रोथ दिखाया था। तो इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। लेकिन इसका भी आप देखिए ग्रोथ कांस्टेंट नहीं है। 1819 में 2.6 था, फिर 1920 में 4.8 था, फिर 3.8, और उसके बाद अब इंक्रीज हुआ है 3.9। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना। अब देखिए सर्विस सेक्टर में हमारा दिया है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिटेल रिटर्न में दी है, 82% का ग्रोथ जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उसके अंदर भी अच्छा रिस्पांस मिला है। फिर देखिए जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हाफ फर्स्ट हाफ में, जो मतलब पहले 6 महीने में, वो प्री पेंडेमिक को सरपास कर गया है और 21.6% है। उसके बाद सर्विस सेक्टर में जो एफडीआई है वो 17.6 मिलियन है फर्स्ट हाफ में। उसको इस तरीके से भी कहते हैं, जो टोटल एफडीआई है उसका 47% इज फॉर सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी एक फैक्ट पता चल जाएगा कि जो हमारा टोटल एफडीआई है उसका लार्जेस्ट जो पार्ट है, ठीक है, वो किस सेक्टर के लिए आता है, सर्विस सेक्टर के लिए आता है। उसके अलावा जो हमारा कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 4.1% इन 2020। 14,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ पे अब ग्रो कर चुके हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे आ गया है, उससे आगे सिर्फ यूएसए और चाइना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप, मेजर रिफॉर्म्स इंक्लूडेड रिफॉर्म्स इन टेलीकॉम रेगुलेशन में भी रिफॉर्म हुआ है। उसके अलावा जो स्पेस सेक्टर था उसको प्राइवेट कर दिया गया है, तो उससे भी फायदा होगा। 44 इंडियन स्टार्टअप हैव बिकम यूनिकॉर्न इन 2021। ठीक है, तो अब टोटल हमारे पास 83 यूनिकॉर्न इंडिया में अवेलेबल है। ऑलराइट, आगे देखते हैं जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर था उसने कैसा परफॉर्म किया है। परचेसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सरपासेस प्री कोविड। ठीक है, जो प्री कोविड था उसको सरपास कर दिया है। सिग्निफिकेंट पिकअप इन नेट सर्विसेस। ठीक है, नेट कैपिटल फ्लो एट 65 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे आपको नोट करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस ऑफ 63 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 2021। ठीक है, ये हमेशा डेफिसिट में रहता था। ठीक है, तो आपको इस पे याद रखना है, ज्यादातर बुक में ये डेफिसिट में ही दिया होगा, तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट इसको हम मान सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व टच्ड 63 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हो गया है 31 दिसंबर 2021 तक। इंडिया वॉज फोर्थ लार्जेस्ट
फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे बड़े अब ये फॉरेक्स रिजर्व होल्डर में से एक बन गए हैं। ठीक है, अब प्राइस और इन्फ्लेशन देख लेते हैं। जो एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है वो पहले 6.6% था, रिड्यूस होके 5.2% पे हो गया है। लेकिन इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहना है, क्योंकि ये हर 3 मंथ पे और 2 मंथ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं फूड इन्फ्लेशन। जो फूड इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस होके 2.9% हो गई है। इफेक्टिवली सप्लाई साइड मैनेजमेंट केप्ट प्राइस अंडर कंट्रोल, प्रोएक्टिव मेजर्स टेकन द कंट्रोल टू टेकन टू कंटेन प्राइस राइज इन पल्स एंड एडिबल ऑयल्स। ठीक है, WPI में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है टू 12.5%। इसके रीजंस क्या है, लो बेस इन प्रीवियस ईयर, पिकअप इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्टिविटीज, शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल एंड हाई फ्रेट कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टिंग द WPI। ठीक है, तो WPI पे किस किस चीज का असर होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो बेस, पिकअप इन इकोनॉमी, शार्प इंक्रीज इन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस और हाई फ्रेट, इन चारों चीजों का उसके ऊपर असर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर है अचीविंग आत्मनिर्भर भारत, तो IIP ग्रोथ एट 17.4% ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर कंपेयर टू -15.3। ठीक है, तो इसमें रिकवरी हो गई है। ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो ऑफ लार्ज कॉरपोरेट कंपनीज 10.6%। ठीक है, जो लार्ज कॉरपोरेट कंपनीज है उसको ऑल टाइम हाई प्रॉफिट हुआ है। देन 30.4% इंक्रीज इन रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 30.4% इंक्रीज इन रोड कंस्ट्रक्शन। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेलवे बजट टू इंक्रीज 5 टाइम्स ओवर 2014 लेवल टू 2.15 लाख करोड़। ठीक है, देन PLI इंट्रोड्यूस टू स्केल अप इंडस्ट्रीज, मेजर बूस्ट टू फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज इंक्रीज फ्रॉम 6.2% इन 2014-15 टू 8.6% इन 2021-22। ठीक है, तो ये सोशल सर्विस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, फिर शिफ्ट रिकवरी इन लेबर मार्केट हो रही है, रिकवरी इन एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन सेक्टर टू प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच चुकी है। इसका सोर्स क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जॉब फॉर्मेशन कंटिन्यूड ड्यूरिंग COVID-19 वेव। ठीक है, जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं, इंक्रीज इन मनरेगा फंड हो रहा है, इम्प्रूव इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज टोटल फर्टिलिटी रेट एंड सेक्स रेशियो। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड सेक्स रेशियो जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। अब COVID-19 और वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 70% ऑफ पॉपुलेशन एज 18 प्लस फुल्ली वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो ये डेटा आपके काफी काम आएगा, 70% ऑफ पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड। ऑलराइट, 93% वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोज, टोटल वैक्सीन इज 157.94 करोड़, फर्स्ट डोज इज 91.39 करोड़ एंड सेकेंड डोज इज 66 करोड़। तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल डोज इज 1.160 करोड़ समथिंग। ठीक है, और अभी ये इंक्रीज होगा ना, बाकी के जो लोग हैं उनको भी कर दिया होगा। देन
मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बैंक क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज टू 5.3%, ठीक है, पहले ये कितना था 9.2%, सॉरी 9.2% अब हो गया है, 9.2% अब हो गया है, जो पहले 5.3% था, जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है वो पहले कितना था 11.2% था, जो डिक्रीज होके 6.9% हो गया है, ठीक है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक कितना था नेट 2017-18 में 6% था, जो डिक्रीज होके 2.2% हो गया है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक उसको इंक्रीज कर दिया है, पहले 13% था और अब 16.54% है, ठीक है। लिक्विडिटी इन सिस्टम इज एट सरप्लस, क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर रजिस्टर रोबस्ट ग्रोथ। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अप्रैल नवंबर 2021 में 89,066 करोड़ वॉस रेस्ड बाय 75 IPOs। देखा होगा आपने IPOs बहुत ज्यादा आए थे पिछले साल, उसमें इतने पैसे रेस हुए थे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट्स टू द नीड फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फॉर इंक्रीज एक्सेस रिकॉग्निशन एंड कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आपको इंसॉल्वेंसी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी क्या होता है। फिर फिस्कल डेवलपमेंट देख लेते हैं, इकोनॉमी बाउंसिंग बैक विथ इंडियाज एजाइल पॉलिसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या फायदा हुआ है, जो रिवेन्यू रिसिप्ट है वो 67.2% तक अप गई है, ठीक है। ग्रोस टैक्स रिवेन्यू जो है वो रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ 50%। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, कैपेक्स जो है वो 13.5% से अप हुआ है। फिस्कल डेफिसिट हैव बीन कंटेन एट, फिस्कल डेफिसिट जो है उसको 46.2% पे कंटेन करके रखा है। विद द रिकवरी ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट डेप्ट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेवरल ऑफ बजट आइटम्स ब्रॉट विद इन द एलोकेशन ऑफ बजट एलोकेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स कैपेक्स गॉन अप बाय, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 67% से अप गया है। तो ये सारे डेटा और फैक्ट है, इसको आपको अच्छे से किसी रफ पेज पे या एक नो ब्लैंक पेज पे लिख लेना है और बढ़िया से नोट्स बना लेना है, ताकि आपको क्या है वो एक या दो पेज के अंदर ही सारा डेटा अवेलेबल हो जाए और इसको आपको बार बार जब आप रिवाइज करेंगे 2-3 बार तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर सेंटर सपोर्ट टू द स्टेट ड्यूरिंग 2021 एंड 2022, तो उन्होंने क्या किया, एनहांस्ड लिमिट ऑफ बोरोइंग की लिमिट उन्होंने इंक्रीज कर दी, लोन टू स्टेट्स इन लिए ऑफ GST कंपनसेशन टू शॉर्टफॉल, ठीक है, उन्हें लोन भी प्रोवाइड किया गया। स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट टू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो उसके लिए स्कीम भी बनाई गई। अब देख लेते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी में देखिए इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% इन रियल टर्म्स इन 2021-22, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स सपोर्ट ग्रोथ इन 2022-23, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन, गेन फ्रॉम सप्लाई साइड रिफॉर्म, ईजिंग ऑफ रेगुलेशन, रोबस्ट एक्सपोर्ट एंड रैंप अप कैपिटल स्पेंडिंग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फैक्टर सपोर्ट करते हैं, उसमें से कौन से फैक्टर है, वैक्सीनेशन है, सप्लाई साइड है, ठीक है, ईजिंग ऑफ रेगुलेशन है, एक्सपोर्ट है और कैपिटल स्पेंडिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इकोनॉमी रिकवर्स पास्ट प्री पेंडेमिक लेवल, ठीक है, रिकवर कर चुकी है। उसके बाद इंडिया प्रोजेक्टेड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, GDP प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 8-8.5% इन 2022-23, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्शन किया है 8.7%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या प्रोजेक्शन किया है 7.5%, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने क्या किया है 9%, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए भी देख सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में जो इम्प्रूवमेंट आए हैं और जो मतलब रिकमेंडेशन दी है इकोनॉमिक सर्वे ने,
वो यहाँ पे दिया हुआ है, शिफ्ट फोकस टुवर्ड हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ एलाइड एक्टिविटीज, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, ठीक है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्मॉल होल्डिंग फार्म्स टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजीज का यूज किया है, प्रायोरिटाइज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड ऑयल सीड पल्सिस एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट नीडेड टू फैसिलिट शिफ्ट टू हाई वैल्यू टू लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, तो वाटर का कंजम्पशन इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन क्रॉप इन एलाइड सेक्टर्स, प्रमोट यूज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर लाइक नैनो यूरिया, यूरिया एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ड्रोन एंड AI, सपोर्ट स्टार्टअप्स फॉर इनोवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 में जो उसके सारे चैप्टर है उसमें दी है, एंड दीस आर द क्रक्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो आपको ये पूरा डेटा एक बार देखना है, कहीं पे लिख लेना है और इसको पूरा समझ लेना है, ठीक है। तो मैंने ये अज्यूम किया है कि हम इस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इकोनॉमिक का बेसिक आइडियाज है, आपको जो भी टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसके अलावा आप गूगल का भी सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इसके सारे ही चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ने हैं, दो दो तीन तीन घंटे के लेक्चर्स, तो आपको दूसरे चैनल जैसे कि विजन IAS हो गया या दूसरे कोई चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे हमें क्या ऐसे और वीडियो आपके लिए बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।